दोस्तों, हम लोग जब स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हमें एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है, वो है रैम। रैम हमारे पीसी या स्मार्टफोन के लिए एक मेजर कंपोनेंट है और रैम का डिफरेंट टाइप्स भी होती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं रैम क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे काम करता है। सब्सक्राइब टू टेक्नोचिल फॉर डेली टेक वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, मान लो आप एक काम कर रहे हो और आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत है, तो आप कमरे में जाओगे, सेल्फ से फाइल उठाओगे और अपने टेबल में फाइल्स रख के काम करोगे। तो जो सेल्फ है वो हुआ आपका स्टोरेज डिवाइस जैसे कि HDD या SSD, और जो टेबल है वो हो गया आपका रैम। अब जितना बड़ा टेबल होगा उतना ज़्यादा फाइल आप रख सकते हो। टेबल अगर छोटा होगा आपको फिर से उस कमरे में जाकर फाइल्स लानी पड़ेगी। ऐसे ही ज़्यादा रैम होने पर आप एक साथ ज़्यादा ऐप या प्रोग्राम रन कर पाओगे, और कम रैम हुआ तो सबसे पहले जो ऐप ओपन किया था वो रैम से डिलीट हो जाएगा। उसे जब आप दोबारा ओपन करोगे तो फिर से डिलीट होगी, मतलब उस फाइल को फिर से उस रूम से लाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा रैम आपके मल्टीटास्किंग को और आसान बनाती है। अब सवाल आता है, हम रैम को स्टोरेज की तरह बड़ा क्यों नहीं देते और स्टोरेज डिवाइस यानी SSD या पेन ड्राइव को रैम की तरह यूज क्यों नहीं करते हैं? तो रैम की जरूरत पड़ती है प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए, और एक प्रोसेसर बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए रैम को बहुत ही ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है, जिसके स्पीड के मुकाबले एक स्टोरेज डिवाइस का स्पीड बहुत कम होती है। इसीलिए रैम बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एक 8GB रैम की प्राइस में आपको एक 240GB SSD मिल जाएगी। तो अगर हम रैम को बढ़ाते हैं तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए रैम को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, रैम कितने टाइप के होते हैं? दोस्तों, रैम डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, जैसे DDR3, DDR4, DDR5। तो ये DDR क्या है? DDR यानी डबल डेटा रेट। DDR जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रैम फास्ट होते हैं और उतना कम पावर कंज्यूम करते हैं। अब इनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं, जैसे कि 2600 MHz या 3200 MHz, और डिफरेंट DDR रैम के डिफरेंट पिन्स होते हैं। तो अगर आप एक रैम टाइप चेंज करना चाहते हो तो आपको PC का मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कितने कैपेसिटी का रैम लेना चाहिए? आज के ज़माने में एक 4GB रैम कॉमन हो चुका है और उससे कम सही भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो तो ध्यान रखना, आप रैम बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करें 6GB से कम ना हो। अगर 8GB रैम लेते हो तो और बढ़िया होगा। 4GB रैम ठीक है, लेकिन आजकल की एप्स बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, तो ज़्यादा रैम आपको आगे चलकर फ़ायदा ही देगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे फोन्स आते हैं जिसमें आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उन डिवाइस में स्टोरेज को ही एज एन एक्स्ट्रा रैम यूज में लिया जाता है। और अगर आप एक लैपटॉप या PC ले रहे हो तो आप कोई भी रैम वेरिएंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि आप बाद में उसे अपग्रेड कर सकते हो। फिर भी बेहतर होगा अगर आप एक 8GB रैम की लैपटॉप लेते हो। तो दोस्तों, ये थे रैम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके एक प्यार दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। फिर मिलते किसी और वीडियो में। अंटिल स्टे चिल।